अरुण भाई की फॉर्चुनर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। मैं ये चाह रहा था कि जब तक वो अपने चैनल पे ना दिखा दे तब तक मैं उनकी फॉर्चुनर क्यों दिखाऊं। मैं सोच रहा हूं कि भाई स्कॉर्पियो बनाई जाए टू डोर, थोड़ा सा शॉर्ट बॉडी कॉन्सेप्ट। जैसे ये स्कॉर्पियो है, इसको अगर हम टू डोर कर दें तो उसके बाद उसमें कैम सेटअप डालें या कुछ भी करें वो तो बात की बात है भाई। यहां से प्रॉपर अच्छी फिट एंड फिनिश आ रही है। इस वजह से हमारी डेंटिंग में कम से कम 3 दिन 4 दिन सिर्फ ये गाड़ी की डेंटिंग ले गई है और गाड़ी को फाइनली हमने कर दिया पेंट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। भाई स्वागत है हमारे चैनल पे, हमारे गैरेज में। भाई अगला दिन हो चुका है, आज आपके लिए कुछ बढ़िया चीज लेके आया हूँ। अरुण भाई के चैनल पे तो अब आपने देख ही ली होगी भाई गाड़ी कहाँ तक पहुंची, क्या था क्या नहीं था। आओ आपको वर्कशॉप का सैर दे दूं जरा एक। तो भाई कल की वीडियो आपने देखी थी, हमने एक लेजेंडर की डिलीवरी दी जो हमने कन्वर्ट करी थी, एक हमने स्कॉर्पियो की डिलीवरी दी जो हमने कन्वर्ट करी थी। वो स्कॉर्पियो हमारे पास काफी टाइम से रुकी हुई थी। जब ये 3 महीने के पर्टिकुलर पीरियड में जो हमारी वर्कशॉप बंद रही है, जितनी भी गाड़ियां ब्लॉक रखी थी, रुक रखी थी, जिन कस्टमर की गाड़ियां यहाँ से हिली हुई थी, उन सबको भी लाइन पर लाना जरूरी है। पर ऐसा नहीं है कि अरुण भाई की गाड़ी भी ना कर रहा हूँ और हमारे सारे कस्टमर्स की। अरुण भाई भी मेरे कस्टमर ही है एक तरीके से और भाई भी है, तो मैं इतना प्रायोरिटी उनको नहीं दिखाना चाहता कि कस्टमर सोचे कि भाई तुमने तो वही कर रखा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो और वैसे कस्टमर रिलेशन के हिसाब से भी देखना। तो इस वजह से काम थोड़ा डिलेड चल रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि भाई उनकी गाड़ी में या किसी कस्टमर की गाड़ी में भी ऐसे टूट टूट के काम हो, जैसे आधे लड़के आज लग रहे हैं, आधे लड़के कल परसों लग रहे हैं। ये वाला काम मैं चाहता ही नहीं हूँ किसी भी गाड़ी में। तो भाई आपको एक बार जल्दी से सैर करा देता हूँ अपने गैरेज की। आ जाओ भाई, ये स्कॉर्पियो वो है ब्लैक वाली जो मैं आपको कह रहा था पेंट हो रही थी फाइनल। आज भाई ये गाड़ी फिट इन फिनिश पे आ चुकी है। जैसे उस गाड़ी की हमने एक दिन में काया पलटी करी थी, वैसे इस गाड़ी की होनी है, तो इसीलिए इसको यहाँ लाके खड़ा कर दिया। और हमारी गेटवे जो वहाँ पे पेंट डलने के लिए रेडी हो रही थी, आज उसके ऊपर पेंट भी हमने कल रात को 5 बजे डलवा दिया। आज वो भी दिखाता हूँ भाई। ये स्कॉर्पियो तो हमारी अब इंटीरियर की फिटिंग में चल रही है, सीटें वीटें फिट हो रही है, एक्सटीरियर इसका कंप्लीट हो रहा है। आओ आपको गेटवे से मिलवाते हैं। ये भाई स्कॉर्पियो गेटवे, जिसके लिए हमारी 3-3, 4-4 बार डेंटिंग में डबल डबल ट्रिपल मेहनत हुई है। इस स्कॉर्पियो के अंदर आपको एक बार टेल लाइट्स का जो हमारा चक्कर पड़ रहा था ना, बहुत ज्यादा तगड़ा इशू भाई, वो सही कर देता हूँ। ये थी हमारी भाई टेल लाइट, ये देखो ये यहाँ लगाते हैं। और यहाँ लगाने के बाद भाई अब इसकी फिट एंड फिनिश देखो भाई, यहाँ से प्रॉपर अच्छी फिट एंड फिनिश आ रही है। इस वजह से हमारी डेंटिंग में कम से कम 3-3, 4-4 दिन सिर्फ ये गाड़ी की डेंटिंग ले गई है और गाड़ी को फाइनली हमने कर दिया पेंट। अब पेंट का प्रोसीजर जो हमारा रह गया वो किस चीज का, वो अंदर के डालेगा, तो वो डाला तो हम आराम से बाद में कभी भी करा सकते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल करेंगे, क्योंकि आज रफ मारा है, कल रबिंग पॉलिश करके इसको फाइनल करना है और कल एक्सटीरियर से इसको रेडी भी करना है। तो ये वाला काम तो हमारा कल होगा, आज इसकी फिटिंग चल रही है और उसकी रफ रबिंग कम्प्लीट होगी। साथ में बात करते हैं भाई मैक वाली स्कॉर्पियो का क्या अपडेट है। तो भाई ये देखो मैक वाली स्कॉर्पियो ये खड़ी है, सारी फिटिंग वगैरह इसकी चल रही है, एक्सटीरियर का सारा ऑलमोस्ट फिट हो चुका है। फॉग लैंप की वायरिंग रह गई थी, फॉग लैंप के इंस्टॉलेशन रह गई है, तो वो वाला काम हमारा कल होगा। मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन ये बाहर से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इंटीरियर में क्या है कि इसके अंदर भी नया डैशबोर्ड, नया सेंटर कंसोल, सब कुछ ब्रांड न्यू ही इंस्टॉल करके दे रहे हैं। इसके अंदर हमने अगर आपको याद हो तो 10 और ब्लैक सीट कवर्स का सेट बना रखा था और डैशबोर्ड पे भी 10 और ब्लैक रखा था, तो वो सारा इंटीरियर इसका उतरेगा और दूसरा इंटीरियर इसके अंदर फिट होगा। तो इसलिए इसमें भी टाइम लग रहा है, धीरे धीरे करके तैयार कर रहे हैं। किसी भी कस्टमर को अपनी जल्दबाजी में काम खराब भी नहीं कराने और अपनी चॉइस के कराने, इसलिए सारे कस्टमर इस तरीके से चल रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ। तो यही है, अब बात करें भाई हमारी फॉर्च्यूनर की। तो यहाँ पे ये फॉर्च्यूनर भाई अरुण भाई की फॉर्च्यूनर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। मैं ये चाह रहा था कि जब तक वो अपने चैनल पे ना दिखा दे तब तक मैं उनकी फॉर्च्यूनर क्यों दिखाऊं। भाई देखो गाड़ी है, उन्होंने ली है, यूट्यूब पे कंटेंट भी बनाया उन्होंने, तो मैं क्यों उसको स्पॉइल करूं। मुझे लगता है कि आप इस चीज को रिस्पेक्ट करोगे। अब यही है, आज गाड़ी की हालात ये है, इसका जो पेंट का प्रोसीजर है वो भी नाइट में खींचेगा, तो कल इस गाड़ी में हमने पूरी नाइट और दिन रात करके इसको पेंट पे लगाना है। तो और कोई गाड़ी हमारी पेंट की है नहीं, तो इसमें काम पेंट का चलेगा। साथ साथ ये वाली गाड़ी जो हमारी GLX स्कॉर्पियो थी, ये वाली स्कॉर्पियो में भाई फाइनल पेंट मतलब बेस डाला हुआ है, अब इसको फाइनल पेंट डालना है, तो कल इसकी भी कार्रवाई होगी और कल इस वाली फॉर्च्यूनर की भी कार्रवाई होगी। तो भाई मैं फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, इसको माइंड मत करना। आओ मैं आपको एक बार इसकी यहाँ की ग्राउंड चेक कराता हूँ। आज पूरे दिन में इसकी ये वाली ग्राउंड रेडी करी एक साइड की प्रॉपर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी लाइनों के साथ ये पूरी रेडी कर दिया। अब इसके बाद भाई ये पट्टी चेक होने के बाद बढ़िया तरीके से बन जाएगी। इसके आगे के काम उनके चैनल पे आ जाएंगे जल्दी। हम इसको पर्ल व्हाइट पेंट कर रहे हैं, किट आज इसकी ले आए थे और किट की शॉपिंग वोपिंग जो भी थी सब चीजें आज हो चुकी है। अब इसका पेंट का प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का है। इसके बाद भाई इसकी फिटिंग होगी इंटीरियर की। जब इंटीरियर की फिटिंग होगी तब आएगा मजा असली, क्योंकि डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल कैसे कैसे मैंने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल किया मैंने दिखाया नहीं, लेकिन अरुण भाई की गाड़ी में जरूर दिखाएंगे आपको क्या क्या काम कैसे कैसे करा। ठीक है, आओ मैं आपको और गाड़ियों का अपडेट देता हूँ। भाई वर्कशॉप पे ना डेली यही चलता रहता है और कभी कभी बीच में, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं जैसा भी जोन सा भी कंटेंट मेरे पास पड़ा होता है ना आप सबके सामने दिखाने के लिए और मेरे पास एक अपडेट होता है आपको देने के लिए, तो मैं वीडियो में किसी भी तरीके दे देता हूँ। मैंने सोचा कि ऐसे बना लिया जाए, क्योंकि मैंने दिन से जो व्लॉग रिकॉर्ड करा है उसको मैं एकदम से जोड़ के पोस्ट करके एडिट करता हूँ तो फिर वो लेट हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मतलब वर्कशॉप भी हैंडल करनी है, व्लॉग्स भी एडिट करने हैं, डेली पोस्ट भी करने हैं और फिर कस्टमर भी होता है कोई, उनको भी हैंडल करना, हर चीज देखनी है।
चीज भाई जरूरी थी करनी और ये चीज भी करनी जरूरी है, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मैं कुछ अलग तरीके की वीडियोस भी आपके लिए ले आता हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई। अब जब ये गाड़ियाँ कंप्लीट होती हैं तो ये तो गाड़ियाँ पेंडिंग में है, ठीक है, ये मतलब इनका अभी जैसे हमारे फॉर्च्यूनर वाले भाई हैं, इनका तो कोई अता पता ही नहीं है, तो इनकी बात बाद में करेंगे किसी अलग व्लॉग में, क्योंकि इनके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है। अभी मैं आपको अपडेट देता हूँ भाई, ये स्कॉर्पियो ये हमारे पास बिहार से आई हुई थी, ये भी काफी टाइम से खड़ी हुई थी। एक ये स्कॉर्पियो है, एक अभी राजस्थान की स्कॉर्पियो है, जब ये गाड़ियां चली जाएंगी तो आप इनको अंदर खड़ा देखोगे। ये नेक्स्ट हमारी लाइन में है, लाइन अप में हमारी बची हुई ये कुछ स्कॉर्पियो है जो अब जाएंगी। जैसे इसकी आज डेंटिंग कंप्लीट होगी, इसमें सारा हमने सामान रो नया ब्रांड न्यू फिट कर दिया। ऐसे होता है गाड़ी देखो पीछे से कितनी पुरानी है और डेंटिंग होगी, सारा सामान आज नया फिट हो चुका है। तो हर गाड़ी का प्रोसेस ना ऐसे ही होता है, धीरे धीरे करके एक एक करके जिस गाड़ी में लगते हैं उसी गाड़ी में लगे रहते हैं। वो ब्लैक गाड़ी खड़ी है ना, अब उसमें लगे रहेंगे जब तक वो कस्टमर को डिलीवर नहीं होती थी, तब तक हम सारे के सारे उसी में लगे रहेंगे, ऐसी प्रोसीजर चलता रहता है। बाकी आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि अरुण भाई की फॉर्च्यूनर आपको देखने को मिल गई। भाई सॉरी इस चीज के लिए मुझे माफ करना, मैं उनकी गाड़ी दिखा नहीं पाया था, लेकिन मैंने कहा जब तक उनके चैनल पे ना जाए तब तक मैं क्यों अपडेट दूं, उनका भाई सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करके चलना। बाकी मोस्ट प्रोबेबली आप इसको बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस में देखते रहोगे, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूं इसको हफ्ते भर में कंप्लीट करने की। लगातार इसलिए भी नहीं लग पा रहे क्योंकि भाई जब मेरी टीम आधी होती है ना तो मैं एक गाड़ी में नहीं लगवाता, क्योंकि सोचो पेंटर होंगे डेंटर नहीं होंगे तो क्या होगा, मैकेनिक होगा तो इलेक्ट्रिशियन नहीं होगा तो क्या होगा, तो यही होता है सामान काम वगैरह सब कुछ रुक जाता है। भाई यहाँ पे तो एडिटिंग चल रही है, इसको छोड़ो ये तो चलती रहेगी। अब मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ कि भाई रात रात तक जो रुकते हैं हम यहाँ पे तो चलता क्या है भाई। अभी तो यहाँ चलो सीटें सूटें फिट हुई हैं, ड्राई क्लीन करने वाले को मैंने बुलाया था, आज नहीं बुलाया क्योंकि कल इसमें डैशबोर्ड की इंस्टॉलेशन होनी है, तो आज भाई इसका जरा ये अंदर का सिस्टम सुंदर हो चुका है, नीचे से साइड से ऊपर से फ्रंट रह गया, अब इसको करेंगे। खैर बाहर का भी इसका सिस्टम सुधर ही गया, यहाँ जरा फॉग लैंप के बेजल वेजल फॉग लैंप वगैरह सेट होने हैं। देखो फॉग लैंप नए, मतलब यही होती है देखो जितने मैं एडिटिंग निपटाता हूँ इतने में मैटर सॉल्व हो जाते हैं, देख रहे हो। ये भाई इसकी नई ग्रिल, बम्पर अभी लगेगा थोड़ी देर में, बस बम्पर बम्पर उतार के इसका अलग रखा हुआ है, ये देखो भाई सिस्टम। तो अभी ये मिट्टी विट्टी खा चुका है, इसको जरा सेट करेंगे पेंट, क्योंकि हमने पहले से मांगा था। अच्छा अच्छा क्लैडिंग भी लगा दी उस्ताद जी, चलो भाई क्लैडिंग भी लग गई है। तो यही है भाई रात में मतलब एक एक घंटे में काम निपटते हैं, चलते रहते हैं, रात लगाते हैं ना तो इस चीज में लगाते हैं। बाकी भाई ये चीजें थोड़ी निपट जाए फिर आपको बाकी की आगे की बताता हूँ, ये चल रही है। और हाँ भाई आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एक चीज कमेंट डाउन जरूर कर देना, तुम्हारा भाई अपने लिए खुद के लिए गाड़ी खरीद रहा है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो जो होने वाली है मैंने फाइनल कर लिया यार, स्कॉर्पियो लेके बनाऊंगा, एक स्कॉर्पियो अपनी होनी चाहिए, स्कॉर्पियो बनने की ना फील अलग ही होती है, लेकिन ऐसी स्कॉर्पियो नहीं कि दुनिया जो बनाकर घूम रही है ये वो ऊंची नीची पीछे ये सब नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे को चाहिए कुछ अलग यूनिक। मैं सोच रहा हूँ कि भाई स्कॉर्पियो बनाई जाए टू डोर, थोड़ा सा शॉर्ट बॉडी कॉन्सेप्ट, जैसे ये स्कॉर्पियो है इसको अगर हम टू डोर कर दें तो उसके बाद उसमें कैम सेटअप डालें या कुछ भी करें वो तो बात की बात है, बताना कैसी लगेगी। कि हमारे काफिले में एक स्कॉर्पियो जुड़ जाएगी तो मजा आ जाएगा, थार तुम्हारे भाई के पास है ही, फॉर्च्यूनर तो है ही और बलिनो है, एक करोला घर खड़ी है और बाकी एक स्कॉर्पियो ऐड कर लूंगा, लेकिन स्कॉर्पियो को वैसे नहीं रखनी, पुराना मॉडल ढूंढता हूँ कोई बढ़िया सी और नजर है मेरी एक दो पे तो वो रखेंगे लेके। बाकी भाई कमेंट डाउन करके बता दो भाई स्कॉर्पियो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बस मैं मतलब स्कॉर्पियो फाइनल कर दो कमेंट कर दो, क्योंकि उसमें कुछ बढ़िया बढ़िया से मोड करेंगे, ये मैं भाई अपनी थार के लिए लेके आया था। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लवली सब्सक्राइबर्स, थैंक यू।